अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हरि और हर का सख्य बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार बैकुंठपति भगवान नारायण को भोले बाबा की याद आई तो भोले बाबा से मिलने के लिए बैकुंठ से और कैलाश की ओर चले, और इधर भगवान शंकर को भी विष्णु भगवान की याद आई तो वो भी चले, और दोनों का मिलन कहां हुआ? मानसरोवर पर। इधर से भोले बाबा, उधर से भगवान नारायण, दोनों बड़े प्रेम से मिले, सखा भाव से मिले। तो सखा भाव में तो थोड़ा हास विनोद भी चलता है। तो भगवान विष्णु ने मानसरोवर का थोड़ा जल लिया और भगवान शंकर पे छींटा मार दिया। भोले बाबा ने कहा अच्छा, तो भोले बाबा ने भी जल लिया और भगवान नारायण पर, और फिर क्या देर थी, दोनों ही सरोवर में ही कूद गए और एक दूसरे पर जल डालने लगे। पुराण की कथा है, सुना नहीं जी, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अनंत काल तक, कितना काल व्यतीत हो गया, भोले बाबा और भगवान नारायण, भगवान विष्णु, दोनों में जल क्रीड़ा चलती रही। एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए अलग ही नहीं हो रहे थे। अब जब अलग नहीं हो रहे थे तो इनको अलग कैसे किया जाए? तो इनको अलग करने के लिए सारे देवताओं ने प्रयास किया, लेकिन क्योंकि यदि ये दोनों इसमें लग जाएंगे, सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? हनुमान जी ने कहा कि इसकी आज्ञा मुझे दीजिए। बोले आप जाइए। तो हनुमान जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर युक्ति की। हनुमान जी सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और तट पर जाकर बैठ करके हाथ में झांझ मंजीरे ले लिए, और मंजीरे लेकर के भगवान नाम कीर्तन करने लगे, और वह नाम की ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में गई। भोले बाबा तो नाम अनुरागी हैं, भोले बाबा को कान में गई तो भोले बाबा ने अपनी वो जल क्रीड़ा छोड़ी और जल में से निकल के वहां आकर बैठ गए जहां हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, और भोले बाबा भी कीर्तन करने लगे। और जब भोले बाबा चले गए तो नारायण को कैसे अच्छा लगे, तो नारायण भी जल से निकले और वो भी पहुंच गए। अब एक और भगवान शंकर, भगवान नारायण और हनुमान जी, तीनों जो है दिव्य संकीर्तन करने लग गए। सारे देवता प्रकट हो गए, सबने हरि और हर को प्रणाम किया। तो ये दोनों की सख रस है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो हरि और हर दोनों में परस्पर अनन्य प्रीति है और अभेद है। जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं, और जो भगवान शिव हैं वही भगवान विष्णु हैं, कोई भेद नहीं है।